इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीएए के खिलाफ जामिया में सड़क पर खुलेआम फायरिंग हुई है। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है शाहीनबाग जामिया इलाके से, प्रदर्शनकारी हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग करते हुए नजर आए हैं। तो आपको बता दें ये बड़ी खबर आ रही है सीएए के प्रदर्शन के बीच में फायरिंग में एक छात्र गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। दिल्ली में जामिया में पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने भिड़े, जामिया में राजघाट तक सीएए एनआरसी के खिलाफ मोर्चेबंदी। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जामिया से, जहां पर ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में भी ये खुलेआम फायरिंग का मामला सामने आया है सीएए के खिलाफ, जो जैसा कि आपको पता है पूरा जामिया इलाका जो शाहीनबाग में काफी दिनों से पिछले एक महीने से प्रदर्शन चल रहा है उसके बीच अब ये बड़ी खबर आ रही है। ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे ये व्यक्ति खुलेआम सड़कों पर ये तमंचा है लहराते हुए चल रहा है। और वहीं सबसे बड़ी खबर ये भी है कि एक छात्र को भी गोली लगी है जो इस पूरे घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो ये वीडियो भी जारी हो गया, आप देख सकते हैं कैसे ये व्यक्ति सड़कों पर ये गन लेते हुए जा रहा है।